Robomate Plus, India's largest curriculum-based study app. Download the app now. तो आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न आएगा जो कि पूरक पठन से संबंधित होगा और इस प्रश्न को लिखने के लिए आपको समय मिलेगा 15 मिनट। यानी 15 मिनट में आपको ये पूरक पठन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उत्तर लिखना है, जो कि 8 अंक के लिए आएगा। तो आइए देखिए जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो किससे संबंधित होगा। पहला प्रश्न होगा वो पठित गद्य परिच्छेद जो कि लगभग 80 से 120 शब्द में आपको पैराग्राफ दिया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और जो दूसरा प्रश्न होगा वो होगा पठित पद्यांश लगभग 50 से 80 शब्द। तो इस तरह से ऊपर पठित गद्य परिच्छेद 4 अंक और दूसरा जो प्रश्न है वो 4, इस तरह से टोटल 8 अंक होते हैं। लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है, पठित गद्य परिच्छेद यानी प्रोज सेक्शन से रिलेटेड होगा रैपिड रीडिंग्स में, लेकिन जो दूसरा प्रश्न है पठित पद्यांश जो कि कविता के रूप में। तो आप सब जानते हैं हम इस धरती की संतति हैं, मन, ये जो कविताएं हैं बच्चे आप सब जानते हैं रैपिड रीडिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पठित गद्य परिच्छेद और पठित पद्य परिच्छेद, इस तरह से थोड़ा समझिएगा, गलती ना करना। प्रश्न कैसे होगा, पठित पद्यांश लगभग 6 से 8 पंक्तियाँ और उससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन आएगा वो 4 घटक से होगा और जिसके लिए हाफ हाफ अंक है और जो कि 2 मार्क के लिए है। और जो दूसरा होगा अभिव्यक्ति यानी पर्सनल रिस्पॉन्स से, यानी पर्सनल रिस्पॉन्स से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो यहाँ भी 2 अंक के लिए है और इस तरह से हमारा टोटल अंक होता है 4। दूसरा प्रश्न हम आगे बढ़ेंगे, हम उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा पैराग्राफ दिया हुआ उसको देख लेते हैं। ये जो है आपके सामने पैराग्राफ है, यहाँ पर पैराग्राफ पढ़िएगा फिर उससे संबंधित ये देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न है कि लेखक ने दिल्ली शहर में की तुलना इस वाहन से की है दूसरों से बहस करने का परिणाम। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हैं और दोनों का आंसर समझकर आपको क्या करना है, लिखना है, जबकि दोनों का उत्तर आपके पैराग्राफ में दिया हुआ। इस तरह से आप क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। आगे है कि आकृति पूर्ण कीजिए। अब आपको दिया गया एक आकृति दी गई है, वहाँ क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और पढ़कर उसका उत्तर ऐसे लिखिएगा जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया है। तो कृति बनाइएगा, पेन से बनाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, कई बार जल्दी बनाने में कृति गलत बन जाती है। और एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कृति पहले बना लेते हैं और हो सकता है उसका मटेरियल ज़्यादा हो, तो पेन से आपने बनाया है तो आप रफ नहीं कर सकते, याद करना। तो कोशिश करना पहले आप उत्तर लिख लें फिर उसके बाद क्या बनाए, कृति बनाए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप पहले कृति बनाएं तो कंटेंट के हिसाब से कृति की कितनी बड़ी बनानी है, सर्कल हो या स्क्वायर, जो भी आपसे पूछा गया है वो कृति सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो बेचा कि आपके आंसर जो भी आपने लिखे हैं वो कृति से बाहर हो, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, अब देखिए स्वमत यानी पर्सनल रिस्पॉन्स से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप पढ़िएगा और आपके सामने ये देखो उत्तर है, तो इसको आप जो हमने यहाँ पर बताया ये भी आप लिख सकते हैं अगर सेम क्वेश्चन आया, नहीं तो जो भी आएगा आप अपना ओपिनियन वहाँ रखिएगा। आगे बढ़ते जो दूसरा प्रश्न होगा, जाहिर सी बातें देखो पद्य से रिलेटेड यानी पोएम दिया जो कि रैपिड रीडिंग है, तो कन्फ्यूज मत होंगे पोएम कहाँ से आ गया, आप भी जानते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट कई बार हम कन्फ्यूज होते हैं पोएम क्यों है। तो ये जो कविता है वो रैपिड रीडिंग से संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़कर ध्यान से उसका उत्तर लिखना, जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक एक करके बता रहे हैं। तो आप भी जब उत्तर लिखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से ढूंढकर सही तरीके से उसका उत्तर लिखें। आगे बढ़ते हैं कि पंक्तियों का केंद्रीय भाव क्या, तो वहाँ पंक्ति दी गई तो उसका सेंटर पॉइंट यानी ये पंक्ति क्या कहना चाहती है, उसका अर्थ क्या है। तो कई बार हमें कविता पढ़कर उसके अर्थ को समझना पड़ता है कि उस केंद्रीय भाव क्या है या वो क्या कहना चाहता है उसको समझकर। तो देखिए हमने यहाँ पर उत्तर बताए बच्चे, आप भी बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, समझकर लिखिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा। और फिर आते हैं हम पर्सनल रिस्पॉन्स से संबंधित क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती, नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो समझिए फिर आप अपने अनुभव के आधार पर उसका उत्तर लिखिए जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिया है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही उत्तर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते जो चौथा प्रश्न होगा वो भाषा अध्ययन व्याकरण से संबंधित प्रश्न होगा बच्चे, जो कि आएगा 18 मार्क के लिए और आपको उसको समय देना है 25 मिनट। तो ये इसका विशेष ध्यान रखिए, खासकर समय का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ, आगे कुछ कहूँ, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पहले ही बता देना चाहता हूँ कि व्याकरण में जब आप लिखेंगे उत्तर तो यहाँ पर आपको प्रश्न लिखना अनिवार्य है, यानी आप प्रश्न लिखकर ही उसका उत्तर लिखें। तो आइए हम समझते हैं, जो सबसे पहला प्रश्न आएगा वो क्या है, शब्द भेद यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहचानने के लिए आएगा, 2 घटक होंगे, एक एक प्रत्येक अंक 2 मार्क के लिए होगा।
दूसरा जो है अव्यय पहचानना, और एक शब्द दिया होगा वाक्य, उसका जो है वाक्य के रूप में प्रयोग करना होगा, वहाँ पर भी दो अलग अलग प्रश्न, एक एक अंक के लिए भी दो अंक हो गया। तीसरा जो प्रश्न है काल परिवर्तन, यहाँ पर भी दो प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक के लिए, तो यहाँ पर भी दो अंक हो गया। चौथा जो प्रश्न होगा संधि पहचानना, विच्छेद करना या संधि बनाने के लिए आएगा, वहाँ पर भी दो घटक होंगे, दो अलग अलग प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक के लिए होंगे, दो अंक होगा उसके लिए। पांचवा प्रश्न जो आएगा वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, या तो आपको पहचानने के लिए आएगा या तो आपको परिवर्तन करने के लिए आएगा, वहाँ पर भी दो प्रश्न होंगे जिस जो कि प्रत्येक एक एक अंक के लिए होंगे, तो ये भी दो अंक के लिए होगा। आगे बढ़ते मुहावरा, यहाँ पर भी दो प्रश्न होंगे, पहला तो मुहावरा है उसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग, और फिर आपको एक दूसरा जो प्रश्न होगा एक स्टेटमेंट दिया होगा सही मुहावरे का, उस वाक्य में क्या करना है प्रयोग करके फिर से उसको लिखना है, तो हर एक प्रश्न एक एक अंक के लिए होगा, ये भी दो अंक के लिए हो गया। आगे बढ़ते जो सातवां हमारा प्रश्न होगा वाक्य शुद्ध करना, यहाँ पर भी दो प्रश्न आपको दिएंगे जो कि उसमें जो भी गलतियाँ हैं उसको सही करके आपको सुधार करके लिखना है, तो दो वाक्य वहाँ पर आएंगे, दोनों को अच्छे से आप लिखते हैं और सही शब्दों को अंडरलाइन करते हैं, तो यहाँ पर आपको दो में से दो मिलेंगे। आगे हम बढ़ें तो जो अगला प्रश्न होगा वो सहायक क्रिया के लिए आएगा। एक चीज़ है कि यहाँ पर एक ही सहायक क्रिया होगी, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आपको पहचाननी, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, तो हाफ हाफ अंक उसके लिए जो कि एक अंक के लिए होगा। प्रेरणार्थक क्रिया, दो शब्द वहाँ पर दिए, दोनों शब्दों का आपको प्रेरणार्थक रूप बनाना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक शब्द दिए होंगे प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाना, तो इसके लिए हाफ और हाफ, तो इस तरह से एक अंक होंगे, तो एक मार्क के लिए। और आगे बढ़ते विराम चिन्ह, एक यहाँ पर प्रश्न आपको दिया जाएगा और उसमें सही जगह पर आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करके पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है, और इसके लिए आपको मिलेंगे बच्चे एक अंक। आगे बढ़ते 11वां प्रश्न कारक पहचानना या भेद लिखना, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस दिया होगा लेकिन बीच में फिलिंग द ब्लैंक होगा यानी रिक्त स्थान होगा, वहाँ पर सही कारक आपको लिखकर फिर उस कारक का भेद आपको लिखना अनिवार्य होगा, तो इस तरह से 11 अलग अलग व्याकरण से संबंधित हमको प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए हम एक एक को देखते हैं, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सबसे पहला प्रश्न आएगा वो शब्द भेद से आएगा, हम यहाँ पर आपको एक एक प्रश्न देखिए बता रहे हैं कि देखो बाहर कौन आया, अब कौन शब्द आया है इसको आपको पहचानना है, तो यहाँ पर क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक चीज़ और है कि अगर वहाँ पर आपको शब्द भेद लिखना है तो डायरेक्ट आप लिखिए, अगर शब्द भेद का भेद लिखना है तो भी आपको लिखना अनिवार्य है। आगे बढ़ते जो शब्द होगा दूसरा एक शब्द होगा शिल्पी शब्द दिया, इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, तो देखिए हमने यहाँ पर प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस शब्द को अधोरेखांकित करना कंपलसरी है, याद रखना, अंडरलाइन नहीं किया तो हाफ मार्क्स गया। आगे बढ़ते हैं जो दूसरा आएगा वो अव्यय शब्द ढूंढ कर लिखना है, यानी इस शब्द में क्या कौन सा इस वाक्य में कौन सा अव्यय शब्द आया उसको आपको ढूंढ कर लिखना है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो प्रश्न होगा वो एक शब्द होगा जिसका आपको वाक्य में प्रयोग करना, तो यहाँ पर भी जब आप इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसे अधोरेखांकित करना ना भूलें। फिर आगे बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न होगा वो है काल परिवर्तन, यहाँ पर दो अलग अलग आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और दोनों को जिस भी काल में बदलने के लिए आपको पूछा गया है उसको आप क्या करेंगे सही करके लिखेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर आपको एक एक करके बता रहे हैं। तो ये जस्ट हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और उसका उत्तर कैसे लिखना है। अब यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद आया, एक संधि है और दूसरा जो प्रश्न है उसका संधि विच्छेद है उसको जोड़ना है, तो जो अलग अलग दिया उसका संधि करना है और दुर्लभ शब्द जो दिया है उसको अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दुह प्लस लभ और फिर उसका भेद लिखना है कि कौन सा संधि है वो, और सम धन तोष, तो इसका अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संधि करेंगे तो संतोष, तो इस तरह से ही आपको उत्तर लिखना। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो बॉर्डर लाइन बना हुआ है, ये बॉर्डर लाइन आपको बनाना है, आप बिल्कुल ऐसे बना कर ही लिखें, कई बार आप डायरेक्ट शब्द लिख कर आते हैं तो इसका कुछ मतलब है, ये आप इसको बनाकर ही उत्तर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं वाक्य के आधार पर या रचना के आधार पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ क्वेश्चन दिया है आप उसको ध्यान से पढ़िए फिर उसका उत्तर लिखिए। सूचना के अनुसार अगर परिवर्तन करने के लिए पूछा गया है तो देखिए सेंटेंस दिया उसके बाद में कि किस में आज्ञार्थक में आपको बदलना है, तो आज्ञार्थक में आप उसको समझकर उसका उत्तर लिखिए। आगे बढ़ते हैं मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग, एक मुहावरा दिया जाएगा जिसका आपको क्या लिखना है, देखिए उसका अर्थ लिखना है और अर्थ बिना लिखे अगर आप वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए आपको शायद मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्थ लिखेंगे तो ही आप उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपको अर्थ नहीं पता तो आपने वाक्य में कैसे प्रयोग किया, तो ध्यान रखना अर्थ लिखकर ही आप उसका इसमें प्रयोग करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको अंडरलाइन करना ना भूले, अब यहाँ पर गुजर बसर करना अगर आ गया तो इसको अंडरलाइन करना है आपको, अगर नहीं करेंगे तो आपको हाफ मार्क्स यहाँ कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम
ये देखिए मैंने कहा था, दूसरा जो प्रश्न आएगा तो आपको वहाँ पर मुहावरे से रिलेटेड वहाँ दो से तीन मुहावरा दिया होगा। और करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा, स्नेह करने लगा तो उसका मतलब क्या होगा, हाथ फेरना, अपनापन जताना। तो इस तरह से आप उसका उत्तर लिखेंगे। फिर इसको भी अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अंडरलाइन करने का भी मार्क्स है। वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। वाक्य शुद्ध में भी याद रखिए, करामत अली गाय अपने घर लाई, सही करके लिखेंगे। तो जब आपने सही किया उसको, तो उस सही शब्द को आपको अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पर भी आपको अंडरलाइन करना है। तो चार जगह जहाँ पर आपको अंडरलाइन, पहला प्रश्न शब्द भेद से, दूसरा अव्यय में, तीसरा मुहावरे में, और चौथा वाक्य शुद्ध करने में। यहाँ चारों जगह आपको अंडरलाइन करना अनिवार्य है, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। सहायक क्रिया देखो यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर उसकी ननद रूठ गई, यहाँ पर आपको एक ही दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, मुख्य प्रधान वाक्य या उसके साथ साथ सहायक क्रिया दोनों लिखने हैं। तो मुख्य वाक्य भी कहते हैं और उसे प्रधान वाक्य भी कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर जैसे रूठ गई, तो आपको पहले रूठ, फिर उसके आगे क्या लिखना है, रूठना ब्रैकेट में, फिर सहायक क्रिया गई, फिर उसका ब्रैकेट में जाना, यानी आपको मूल रूप लिखना अनिवार्य है। तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। फिर आते हैं प्रेरणार्थक में। प्रेरणार्थक में देखो एक शब्द दिया गया है, भागना। अब इसका आपको प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप दोनों लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना, लेकिन ये जो कॉलम बना है, इस कॉलम को बनाकर ही उसका उत्तर लिखना। फिर आगे बढ़ते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करना। अब देखिए, एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ, आप सही जगह पर आपको क्या करना, विराम चिन्ह का इस्तेमाल करके फिर से वाक्य लिखना है। तो देखिए, हमने आपको यहाँ पर बताया है, आप भी बिल्कुल इसका उत्तर ऐसे ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वाक्य में प्रयुक्त तो कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। हो सकता है कि सेंटेंस ऐसे दिया हो जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया, लेकिन हो सकता है कि बंदर वृक्ष डॉट 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 बैठा है, तो यहाँ पर आपको सही कारक प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पर। तो पर शब्द लगाने के बाद आपको क्या करना है, पर शब्द कौन सा कारक है वो भी आपको लिखना अनिवार्य है। तो पर कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। तो आप इसी तरह से क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पांचवा विभाग होगा, उपयोजित लेखन यानी राइटिंग स्किल से संबंधित आएगा, जहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर 65 मिनट आपको देने, 65 मिनट और 32 अंक के लिए आएंगे। आप सब जानते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समय कितना देना है। आइए थोड़ा डिटेल में समझते। पहला प्रश्न क्या आएगा, वो पत्र लेखन से संबंधित होगा, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो कि 5 अंक के लिए होगा। दूसरा जो प्रश्न होगा, गद्य आकलन, यानी आपको पैराग्राफ दिया है और आपको उससे रिलेटेड 5 प्रश्न बनाने हैं, तो जिसके लिए आपको 8 मिनट का समय देना है। थोड़ा हमने आपको समय भी यहाँ पर बताया है, हम उसको डिटेल में जब समझेंगे तो और अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे, जो कि 5 अंक के लिए आएगा। तीसरा जो प्रश्न है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया कि आप पत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखो, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आप दिनांक से लेकर नीचे जितने भी आपने लाइनें लिखी, सब एक के नीचे एक है, पैराग्राफ वाइज है, कॉमा है, पूर्ण विराम है, सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। और जब आप विषय लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करना ना भूलिए। माननीय महोदय शब्द लिख रहे हैं तो उसमें मात्राओं की गलतियाँ ना हो, मैं शब्द लिखने में आप गलतियाँ करते हैं तो इन सारे शब्दों को थोड़ा ध्यान देना। हूँ शब्द लिखते हैं तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ऊपर चंद्रबिंदी आएगी, ये सब शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा, लिखते वक्त गलती मत करना। ये देखिए, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पत्र दिया हुआ है और ऐसे ही बिल्कुल आपको प्रेजेंटेशन के हिसाब से लिखना है। देखो, एक भी शब्द आगे पीछे नहीं गया, सब एक के नीचे एक। और बच्चे, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो यकीन मानिए, आपको हो सकता है कि 4.5 भी मिल जाए, अगर आपने सही लिखा, कहीं पर कोई गलती नहीं की है तो आप अगर लिखेंगे अच्छे से तो अच्छे से आपको मार्क्स भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब जो पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, देखो एक पैराग्राफ सामने दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। हालांकि आप ये जो क्वेश्चन आएगा, इसमें जो पैराग्राफ होगा, ऐसा भी हो सकता है अनसीन पैसेज होगा, हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो, तो इसको पहले कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा, फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है। तो हमने देखो यहाँ पर प्रश्न बनाकर आपको दिए हैं, बताएं कैसे प्रश्न बनाना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप पत्र लेखन लिखते हैं तो आप बच्चे जानते हैं कि वहाँ पर आपको 10 मिनट देना है और आप कम से कम 1 से 1.25 पेज लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 लाइन लिखनी है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो प्रश्न आप बना रहे हैं, इसमें शब्दों की गलतियां ना हो। अगर शब्दों की गलतियां होंगी, एक शब्द गलत है तो हाफ मार्क कट जाएगा, 2 शब्द गलत है तो 0 मिलेगा। और एक चीज़, टीचर ने आपको पढ़ाते वक्त बताया होगा कि जब भी आप प्रश्न बनाएंगे, उस प्रश्न सूचक शब्दों से आपके प्रश्न की शुरुआत नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना, गलती मत करना, क्योंकि 5 लाइन लिखनी है, 8 मिनट मिलेंगे, लेकिन जब आप प्रश्न बनाएंगे तो शब्दों की गलती मत करना, तो 5 में से 5 मिल जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। अगर जो हम दूसरा प्रश्न पांच का जो आएगा उसमें क्या क्वेश्चन आएगा, वृत्तांत लेखन 60 से 80 शब्द, ये ध्यान में रखना 60 से 80 शब्दों में, जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय देना है, पांच अंक के लिए है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो विज्ञापन लेखन एक एडवर्टाइजमेंट होगा 50 to 60 शब्दों में, जिसके लिए आपको 10 मिनट, वो भी पांच अंक के लिए है। अब तीसरा जो है वो कहानी लेखन लगभग 60 से 80 शब्दों में, यहाँ पर आपको इस कहानी लिखने के लिए कितना समय देना है, 12 मिनट, जो कि आएगा पांच अंक के लिए। लेकिन यहाँ पर जो कहानी पूछी जाएगी तीन अलग अलग चीज़ों पर हो सकती है, लेकिन वहाँ आएगा कोई या तो मुद्दों के आधार पर आ सकती है, या सुवचन हो सकता है कोई सुंदर वचन, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर तीसरा जो है वो शब्दों के आधार पर तीनों में से कोई एक ही प्रकार की कहानी होगी, इसमें विकल्प नहीं होगा, शब्दों के आधार पर, वचन के आधार पर और मुद्दों के आधार पर, जो कि एक कोई आएगा तो हाँ पढ़िएगा समझिएगा, फिर उसके आधार पर आप उत्तर लिखिएगा, जो कि पाँच अंक के लिए होगा। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो देखिए, शिक्षक दिन समारोह पे ऊपर आपको क्या लिखना है, वृत्तांत लिखना, हमने यहाँ पर आपको बताया, आप भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, विज्ञापन एक आपको दिया है कि पेय कंपनी यानी किसी भी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है या आमरस है, जो भी है उससे रिलेटेड आप कोई भी विज्ञापन बना सकते हैं। ब्रांड आप अपना खुद का दीजिए, कोशिश करिए किसी ब्रांड का नाम मत लिखिए, अपना खुद का ब्रांड बनाइए, क्योंकि आप अपना ब्रांड बनाएंगे तो शायद अच्छे से आप क्या करेंगे उसके बारे में लिख भी पाएंगे। तो यहाँ पर मुद्दे दिए हैं कि आपको कौन कौन से मुद्दों के आधार पर लिखना है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर जस्ट आपको बताने का प्रयास किया है कि आप कैसे बनाएंगे, आप इससे बेहतर बनाएंगे, मुझे इस बात का यकीन, हम सिर्फ आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि ऐसे विज्ञापन आपको बनाना है। आगे बढ़े तो ये देखो कहानी यहाँ पर शब्दों के आधार पर यानी आउटलाइन दी हुई है, आप इसे पढ़िएगा और फिर बिल्कुल ऐसे ही कहानी आप लिखिएगा जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो आप भी अपने शब्दों में ऐसे लिखना, टाइटल देना कंपलसरी, मोरल ऑफ द स्टोरी भी आएगी तो उसको पढ़िएगा समझिएगा, फिर उसके आधार पर कहानी लिखना। हालांकि मुद्दों के आधार पर दिया तो एक बार आपको समझने में आसानी होती है, लेकिन सुवचन आ जाता है या सिर्फ शब्द आ जाता है तो बच्चे वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो बहुत इत्मीनान से रिलैक्स होकर आप सोचेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप कहानी लिख लेंगे। बस डरना मत, पैनिक मत होना, घबराना मत। आगे बढ़ते हैं, आखिरी में जो प्रश्न आएगा वो निबंध लेखन में से होगा, जो कि हालांकि आप सब जानते हैं निबंध पांच टाइप्स के होंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे किसी दो से रिलेटेड ही निबंध आपको पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 15 मिनट का समय देना है, जो कि सात अंक के लिए आएगा। यही एक ऐसा है जो सात अंक के लिए आएगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये सबसे आखिर में आप लिखेंगे, जहाँ पर आपको 15 मिनट प्लस 5 मिनट आपको पुनः अवलोकन के लिए बचा कर रखना है, 20 मिनट का वक्त होना चाहिए और 15 मिनट में आपका निबंध कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से लिखना है, प्रेजेंटेशन के हिसाब से लिखना है, राइटिंग वर्क, क्योंकि आप सब शुरुआत में बहुत खूबसूरत लिखते हैं लेकिन आखिर में आपकी राइटिंग आप समझ सकते हैं कि आप लाइन प्रॉपर ड्रॉ नहीं करते हैं, फिर आप ये नहीं देखते हैं कि हमारा शब्द कैसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुरुआत जैसी हो अंत भी वैसा ही होना चाहिए, आपने शुरुआत में बहुत अच्छी राइटिंग में लिखी तो आखिर में भी आपकी राइटिंग क्या होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने आपको बताने का प्रयास किया कि मैं हूँ आज की नारी, एक टॉपिक दिया है कि आज की हमारी महिलाओं मॉडर्न ज़माने में आज के प्रेजेंट टाइम में उनकी हालत या सिचुएशन क्या है, पहले से काफ़ी सुधरी है कि नहीं, कंपेयर करते हुए आपको बताना है। मेरा प्रिय वैज्ञानिक साइंटिस्ट दोनों में से आप यहाँ जो दो निबंध दिए हैं इनमें से जो आपको सबसे अच्छे से आता है उस पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए हमने आपको जस्ट बताया है कि ऐसे लिखते हैं, ऐसा ज़रूर नहीं कि यही लिखना है, आप इससे बेहतर लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखेंगे तो और खूबसूरत लिखेंगे, हमें इस बात का भरोसा है। तो हमने जस्ट आपको यहाँ पर गाइड करने की कोशिश की कैसे लिखेंगे। आखिर में एक बार फिर से हम समय नियोजन के बारे में देख लेते क्योंकि ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गद्य विभाग से जो प्रश्न आएगा वो 24 अंक 40 मिनट देना है, दूसरा प्रश्न है पद्य विभाग 18 अंक के लिए आएगा 30 मिनट देना है, तीसरा पूरक पठन है 8 अंक के लिए आएगा 15 मिनट का समय देना है, चौथा है भाषा अध्ययन यानी व्याकरण से संबंधित 18 मार्क के लिए आएगा जहां पर आपको 25 मिनट का समय देना है, और इसके बाद है उपयोजित लेखन यानी राइटिंग स्किल पार्ट जो कि 32 अंक के लिए आएगा, यहां पर आपको 65 मिनट का समय देना है, और आखिर में पुनः अवलोकन 5 मिनट यानी पेपर रीचेक करने के लिए। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कोशिश करिए 5 मिनट और बचाइए, लगभग 10 मिनट आप बचाने का प्रयास करिए और अच्छे से इत्मीनान से, क्योंकि एक ही मौका मिलेगा बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में जहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा वो 3 आवर्स आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट आवर्स होना चाहिए, आपका पूरा साल भर की मेहनत दिखनी चाहिए, जब आप 3 घंटे का वो पेपर लिखे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि क्यों है। मैं चाहता हूँ कि आप उस पल को इन्जॉय करें क्योंकि आपने साल भर इस चीज़ के लिए मेहनत की है।
थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं 100 अंक और 180 मिनट, और इसके बाद राइटिंग स्किल में कौन सी चीज़ों का एक बार हमने फिर से बताया आप देख लीजिए। पत्र लेखन 5 अंक के लिए, जहाँ पर आपको 10 मिनट देना है। आकलन जो है 5 अंक के लिए है, यहाँ पर आपको 8 मिनट देना है। वृत्तांत लेखन 5 अंक के लिए है, 10 मिनट देना है। विज्ञापन भी 5 अंक के लिए आएगा, यहाँ पर भी आपको 10 मिनट देना है। कहानी लेखन 5 अंक के लिए, यहाँ पर आपको 12 मिनट देना है। और निबंध लेखन के लिए स्पेशली जो 7 मार्क के लिए आएगा, वहाँ पर आपको 15 मिनट देना है। तो इसलिए टोटल अंक होता है 32 और समय आपको देना है 65 मिनट। तो विशेषकर ये जो टाइम दिया हुआ ना आपको, इसका आप अच्छे से ख्याल रखते हुए हर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ऐसा ना हो कि आखिर में कोई प्रश्न छूट जाए। तो आज के बाद आपके पास लगभग 40 दिन का समय है। आप विशेष करके आप जब भी लिखने बैठें तो क्या करें, अच्छे से उसको देखिए कि आप टाइम के आधार पर अपना उत्तर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, यहाँ पर प्रैक्टिस ही आपके काम आएगी। तो बच्चों, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना बेस्ट करके आएंगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी रहता है तो आप ब्रांच पे जाकर अपने टीचर से मिलिए और उनसे जो भी डाउट होता है, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, आप ब्रांच पे आकर अपने टीचर से मिलकर उनसे अपना डाउट पूछिए और आप अपना बेस्ट करिए। और मुझे पूरा यकीन है, मेरी दुआएँ आप सबके साथ हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमने आपको और बताई है, पत्र लेखन और निबंध लेखन में आपको थोड़ा विकल्प मिलेगा और यहाँ पर जो आपको अच्छे से आए वही आप लिखिएगा। पत्र लेखन में आपसे कहूँगा कि औपचारिक पत्र लिखने जाइए, क्योंकि अनौपचारिक में शब्दों का चयन अगर आपने अच्छे से किया है तो ठीक है, नहीं तो कई बार गलती हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और निबंध में भी जैसे मैंने बताया कि 2 ऑप्शन है, जो अच्छे से आता है उसका उत्तर लिखिए। सो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड खुश रहो। हाँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। टू वॉच मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस, अटेम्प्ट टेस्ट एंड टू गेट इंस्टेंट एनालिसिस, डाउनलोड द रोबोमेट प्लस ऐप नाउ।